हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है माता रानी की अष्टमी और यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग तरीके से थाली सजावट की जाए, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें रोली लगा ली और इसके बाद मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया। शुरुआत में तो रोली फैल नहीं रही थी, फिर मैंने दोनों हाथों से पकड़कर प्लेट को हिलाया तो अच्छे से फैल गई। और ये वाली डेकोरेशन मैंने इस टाइम का फर्स्ट बार किया है और ये काफी हद तक बहुत अच्छा भी बना, जो कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। और स्वास्तिक बनाने के साथ साथ ये बहुत ही कंपल्सरी होता है कि स्वास्तिक के दोनों साइड में रिद्धि सिद्धि को बनाया जाए। और अब थाली सजावट में मैंने यहाँ पर रखे चावल, साथ में खांड और गेहूं, इसके साथ ही मोली, रोली और सिंदूर, एक छोटा पानी का कलश, साथ में फूल और भगवती के भोग के लिए पंचमेवा का प्रसाद और कपूर, जो कि मोस्ट एसेंशियल है। तो ये है मेरी पूजा की थाली, फाइनली इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। आज है अष्टमी और कल है नवमी, ये है हमारे जुमारे और कल इनका विसर्जन करना होगा। इतने दिन पूजा पाठ करते हुए इनका विसर्जन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी यही रीति रिवाज है, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं और मम्मी लगे हुए हैं माता जी के भजन करने। नवरात्रों का हमारा मोस्ट फेवरेट भजन है भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। और इस वाले भजन की वाइब्स आप गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगी। और इसके बाद आज अष्टमी थी तो इसीलिए आंटी लोगों ने आज ही कन्या पूजन किया था, तो यहाँ पर मैं हेल्प के लिए गई थी और यहाँ पर थोड़ी सी पूरी निकलवाई। और साथ में मुझे एक बात और पता चली, कुछ इस तरह से ट्राई करने से सभी पूरियाँ फूल जाती है। तो शुरुआत में मैंने जो निकाली थी वो तो ठीक से नहीं बनी थी, लेकिन बाद के अंदर मुझे ऐसा प्रैक्टिस हुआ और ये सभी अच्छे अच्छी बनी। यहाँ पर ना शुरुआत वाली पूरियों के बजाय जो आप देख सकते हैं इनमें थोड़ी अच्छी सी ऐसे नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, लेकिन जो बाद के अंदर प्रैक्टिस होने के बाद सभी पूरियां अच्छी और बड़ी बड़ी सी बनी थी, बहुत ही अच्छी। और इसके बाद मैं आ गई थी घर पर और सुबह से इतना काम था, फिलहाल 12 बजे हुए थे और मॉर्निंग की मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो यहाँ पर आज मम्मी का भी अष्टमी का व्रत है तो इसीलिए 2 गिलास चाय हम दोनों के लिए बनाऊंगी। अगर आपके घर में उपवास करते हैं, चाहे वो घर का कोई भी मेंबर हो, तो अदर डेज की बजाय काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि हर तरीके को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बस इसमें अनाज ना चला जाए। तो चाहे वो चाय बनाने का काम ही क्यों ना हो, नॉर्मल डेज की बजाय थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, इसमें दूध और सारी चीनी वगैरह सब कुछ डाल दिया और फिर मैं लगी थी थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए। तो ये वाली टाइल्स मैंने किसी वीडियो में लगाई थी, आपको पता भी होगा, और लेकिन ये मुझसे लगी तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। इसके नीचे तो सिल लगी हुई है, वो इतनी सही कंडीशन में नहीं है, तो ये वीडियो के लिए थोड़ा पहले से तो बेटर है। तो यहाँ पर मैंने गैस को कम कर दिया था और चाय में दूध, चीनी, अदरक जो भी वगैरह डालना होता है सब कुछ डालकर रख दिया। साथ में मेरी सफाई कंप्लीट हो गई, इतनी देर में चाय भी बन गई और स्टील के गिलास में ये मैंने ओनली मम्मी के लिए लगाई है, क्योंकि अष्टमी है तो मम्मी का भी आज व्रत है। और ये मिट्टी के गिलास में मैं 9 से 10 दिन हो गए मुझे स्टील में पीते हुए, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मिट्टी हो या स्टील, बस अच्छे से साफ होने चाहिए, लेकिन घर वाले ऐसा मानते हैं। तो मम्मी के लिए स्टील में और मेरे लिए है मिट्टी वाले गिलास में। तो यहाँ पर मैं और मम्मी कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, साथ साथ में मैंने पी चाय। और इसके कुछ देर बाद 2 से 2.5 घंटे बाद का ये वाला क्लिप है। तो शाकाहार तो आपको एक ही टाइम करना होता है, मतलब हमारा ये मानना है कि शाकाहार एक ही टाइम होता है उपवास के दिन, चाहे वो कहीं भी कर लो, और हाफ डे के बाद ये मोस्ट मतलब होता है, हाफ डे के बाद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर दिन में मैंने यहाँ पर केले कट किए हैं और यहाँ पर आप कोई भी फ्रूट ट्राई कर सकते हो, दिन में ओनली यही होना चाहिए। शाकाहार शाम के टाइम थोड़ा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप भी मेरी तरह वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी सजावट के लिए ऐसा आप कट करके ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ प्लेट ऐसी है, वरना नॉर्मल ऐसे भी छील कर खा सकते हैं।
और यहाँ पर शाम होने के बाद मैं गई थी खेत में, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था और वो मैं नहीं लेकर आई थी, तो यहाँ पर मैं गई थी। और ये देखिए अंधेरे में मेरी छाया कैसी आ रही है। वैसे ऐसे बोला जाता है कि नाइट के टाइम पर बाड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी जो प्लांट्स हैं खेती बाड़ी वो इंसान की तरह ही सो जाते हैं। तो दिन छिपने के बाद मोस्टली ऐसा होता है। और ये देखिए अंधेरा कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैं तोड़ने नहीं आई हूँ, तोड़ी हुई जो पहले से रखी हुई थी, बस वो दिन में लेके जाना भूल गई थी, तो वो मैं अभी लेने आई हूँ पूजा करने के बाद। तो ये देखिए मैंने अपना सामान उठाया और यहाँ पर मैं आ गई अपने घर के पास। और आज मैंने ट्राई की थी कुल्हड़ वाली चाय। ये सच में आप सबका किस किस का सा एक्सपीरियंस है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे। मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मिट्टी के कच्चे बर्तन लगभग नॉर्मली गांव में तो सबसे घर पर मिल ही जाएंगे, तो ट्राई कर लेना, ये सच में बहुत यम्मी बनती है।